हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, यहाँ पर सुबह सुबह मैं लगाने वाली थी फेस पैक, और ये है मुल्तानी फेस पैक। इस फेस पैक को शेयर करने की रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी दिनों से आ रही थी, बट मैंने सोचा चलो आज लगा ही रही हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ कि ये फेस पैक कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैंने लिया है इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और उसमें ऐड किया है थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, तो वो मिक्स किया है, और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिक्स किया है। तो अगर आपको नींबू सूट नहीं होता है तो आप दही भी मिक्स कर सकते हो। और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर और हनी मिक्स किया है, तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा ऑयली हो गया है, और अभी मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने फेस पर। तो सबसे पहले आपको फेस वॉश कर लेना है। एक्चुअली यहाँ पर फेस वॉश किया था मैंने, फिर भी मेरा फेस इतना ज़्यादा ऑयली है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो इसी वजह से मैं फेस पैक लगाती रहती हूँ ऐसे। आपने देखा होगा कि मैं अलग अलग टाइप के फेस पैक बनाती हूँ और ऐसे लगाती हूँ, तो क्योंकि ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो इसी वजह से एक्सेस ऑयल खींच लेने के लिए मैं ऐसे फेस पैक बनाती रहती हूँ और उसे अप्लाई करती रहती हूँ। तो इसमें मेरी टैनिंग भी काफ़ी हद तक हट जाती है और मेरी स्किन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कोमल मुलायम हो जाती है, तो इस वजह से मैं ऐसे फेस पैक बनाती रहती हूँ। तो इसे आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी स्किन हो जाती है इससे। और अगर आपका सन टैन हुआ है तो वो भी इससे हट जाएगा और काफ़ी अच्छी ग्लोइंग स्किन दिखने लगेगी। तो बस इसे मैं अच्छे से थोड़ी देर ड्राई होने तक वेट करूँगी और उसके बाद वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर फेस पैक वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने अपने लिए ये सैंडविच बनाया। तो सैंडविच को थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पिज्ज़ा सॉस ऐड किया है ब्रेड पे। थोड़ा सा ब्रेड को ना टोस्टर में टोस्ट कर लिया था, उसके बाद उसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ दोनों ब्रेड के ऊपर। और यहाँ पर ग्रीन चटनी मेरी ख़त्म हो गई थी, तो इसी वजह से पिज़्ज़ा सॉस ही ऐड करना पड़ रहा है, थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए है ये। तो आई नो ये इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है, बट फिर भी अभी टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने स्लाइस काट के रखे हैं, यहाँ पे ऑनियन है, टोमेटो है और कुकुम्बर है, तो बस ये अच्छे से लगा दूँगी वहाँ पर। और बस उसके बाद वो जो दूसरा ब्रेड है वो उसके ऊपर लगा दूँगी। आप चाहो तो मेयोनीज भी ऐड कर सकते हो, मतलब टेस्ट को और बढ़ाने के लिए, बट ये मैं थोड़ा सा वेट लॉस के लिए वो कर रही हूँ, खा रही हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे ही मैं सजा दूँगी इसके ऊपर ये टॉपिंग में। आप इसके ऊपर स्वीट कॉर्न्स भी लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें आप इस पर लगा सकते हो। इस तरह से सैंडविच में बना लूँगी, अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप बना सकते हो, अगर आपको ऐसा नहीं पसंद है तो आप इसे माइक्रोवेव भी कर सकते हो। और मुझे ऐसे ही पसंद है, इसी वजह से मैं कच्चा ही खाती हूँ ऐसे। थोड़ा सा नमक डाल दिया है ऊपर से और बस दूसरा ब्रेड उस पर लगा दिया है, और ये हो गया है खाने के लिए रेडी। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत यम्मी लगता है। आप ऐसे बनाते हो तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं बनाते हो तो ऐसे बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पर दूध जो है वो मैं पतीले में डाल दूँगी गर्म करने के लिए, और इन्होंने दही और दूध ला के दिया था मुझे सुबह, तो वही अभी पतीले में डाल दूंगी और उसके बाद उसे गरम कर लूंगी। एक्चुअली किसी ने मुझे बोला था कि पॉलिथीन में नहीं रखना चाहिए दूध, तो डियर हमारे यहाँ पे ऐसे ही मिलता है, पॉलिथीन में ही मिलता है डेयरी में दूध, हम लोग डेयरी से ही लाते हैं दूध, डेयरी से ही लाते हैं, तो इसी वजह से वहाँ पर ऐसे ही पैक होके मिलता है वो, तो वैसे ही लाना पड़ता है घर में। तो बस ये दूध मैंने डाल दिया है पतीले में, उसके बाद ये जो दही है वो फ्रिज में रख दूंगी एक कंटेनर में निकाल के, और क्योंकि ये ऐसे कंटेनर में निकाल के रखती हूँ ना तो फिर इजी जाता है लेने के लिए। नहीं ऐसे चाय के लिए हम लोग अलग दूध यूज़ करते हैं, पैकेट वाला दूध यूज़ करते हैं चाय के लिए, जो टोन दूध होता है वो चाय के लिए यूज़ करते हैं, बट जो पीने का दूध है वो डेयरी से ही लाते हैं, तो ये पीने का वाला दूध है बच्चों का। गाइज, आज लंच में बनने वाली है मसूर की दाल, और काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी मसूर की दाल की रेसिपी शेयर करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज फाइनली मसूर की दाल बना लेती हूँ और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दूंगी।
और रेसिपी के लिए कितने दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं भूले जा रही थी। आजकल पता नहीं क्यों भूलने की बीमारी ही लग गई है, और बाल मेरे अभी भी गीले ही है, ड्राई नहीं हुए क्योंकि फैन के नीचे नहीं सुखा रही थी, इसी वजह से फैन लगाया ही नहीं था, इसी वजह से ड्राई नहीं हुए ये। पता नहीं मौसम ऐसा हो रखा है कि गर्मी भी हो रही है और थोड़ी देर में ही बारिश भी होने लगेगी। दोपहर में क्या होता है कि इतनी तेज धूप आती है और उसके बाद थोड़ी देर में ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे डेली हो रहा है आजकल। और चले फिर जल्दी से बना देती हूँ मसूर की दाल, और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। काफ़ी दिनों की रिक्वेस्ट थी, तो चलिए आज मसूर की दाल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाला है, थोड़ा सा उसे गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी, और उसके बाद मैं उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और क्या बोलते हैं प्याज, और फिर थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी। तो लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा हो जाने के बाद मैं उसमें हींग ऐड करूँगी, और उसके बाद जो प्याज काट के रखा है, बारीक चॉप करके रखा है, वो ऐड करूँगी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेना है आपको गोल्डन ब्राउन होने तक। और उसके बाद यहाँ पर मैंने निकाल ली है मसूर की दाल, और मसूर की दाल ना थोड़ी सी ही लगेगी आपको इसके लिए, मतलब थोड़ी सी अगर लोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाती है वो, और आप अपने फैमिली के अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपकी फैमिली बड़ी है या फैमिली छोटी है उसके अकॉर्डिंग दाल ले सकते हो। यहाँ पर आधी कटोरी दाल ली थी, और उसके बाद उसे अच्छे से वॉश कर लिया था, वॉश करके वहाँ पर रख दिया है, और उसे फिर यहाँ पर मसाला हमारा भून चुका है, मतलब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बेसिक से मसाले इसमें ऐड किए हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और क्या हो गया धनिया पाउडर, और फिर थोड़ा सा गरम मसाला, ये सारी चीज़ें ऐड की है। उसके बाद जो मसूर की दाल भिगो के बोल रही हूँ धो के रखी थी, वो मैंने उसमें ऐड की है अच्छे से। और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना है पहले आपको, और क्योंकि दाल को पकने के लिए पानी लगेगा, इसी वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी ऐड करना है। उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, अगर आप पानी कम ऐड करते हो ना तो वो पकते पकते पानी पूरा ख़त्म हो जाता है, और फिर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाता है, तो इसी वजह से आपको पानी पहले ही ज़्यादा ऐड करना है। और इस दाल को टेस्टी बनाने के लिए एक टिप आपको दे रही हूँ, आपको इसे ना बिना ढक्कन के पकाना है, तभी ये अच्छी बनेगी, अदरवाइज़ ये अच्छी नहीं बनेगी। अगर आप इसे बिना ढक्कन रख के पकाते हो तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये, इसी वजह से बिना ढक्कन रख के पकाइएगा। देखिए अभी अभी मेरा एक पार्सल आया था, उसका मैंने रैपर निकाल के अद्वित को खेलने के लिए दिया था, तो ये पूरा गलाटा करके रखा है इसने नीचे, ये डालना पड़ेगा अभी डस्टबिन में। अद्वित आपने कितना गलाटा करके रखा, क्या कर रहे हो? क्या बटन बटन निकल गई? अच्छा मैं लगा दूंगी बाद में। और यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, हॉल में जाओ? और हाँ, किसी ने स्टोर रूम टूर देने के लिए बोला था, तो स्टोर रूम कुछ इस तरह से है मेरा, मतलब कुछ ऐसे ही है, अभी इतना कुछ सेट नहीं किया हुआ है, तो वैसे भी फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो स्टोर रूम की झलक कुछ इस तरह से है, यादविक की बैग भी यहाँ पर ही रखी है, और फिर ये आलू प्याज और लहसुन इसमें रहता है ये वाले स्टैंड में, और फिर ये है मेरा मंदिर। हाँ बेटा टूट गई, ये मेरा मंदिर है, ये मैं लगा दूंगी उसे, ठीक है? ठीक है, वो निकालना पड़ेगा ना बेटा, उसके लिए मैं लगा दूंगी थोड़ी देर में, ठीक है? और हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि स्टोर रूम में मंदिर नहीं रखना चाहिए, तो स्टोर रूम में मंदिर इसलिए रखा है, अभी मैंने इसके पहले भी रीजन आपको बताया था स्टोर रूम में मंदिर इसलिए रखा है, खाने पीने की चीजें ही रहती है उसमें, कुछ कबाड़ सामान तो रहता नहीं है, इसी वजह से हमने वहां पर मंदिर रखा है, और वो इसकी वजह से रखा है क्योंकि उसको डोर है वो वाले रूम को, और इसी वजह से अद्वित चढ़ता था यहाँ पर था पहले मंदिर। मैं मंदिर की जगह भी दिखा देती हूँ आपको, ये जो है यहाँ पर मंदिर था जहाँ पर हमने फोटोज रखे हैं,
वहाँ पर, यहाँ पर मंदिर था। अभी हमें जो दूसरा मंदिर बनवाना है वो भी यहाँ पर ही बनवाना है, बट अभी का ये जो मंदिर है हमने अंदर रखा है, क्योंकि अद्विक चढ़ता था ये डाइनिंग की चेयर लेके और सारे भगवान जो है वो नीचे निकाल देता था, इसी वजह से हमने वहाँ पर मंदिर रखा है। अभी थोड़ा सा उसे समझने भी लगा है, बट फिर भी हमने मंदिर शिफ्ट नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि हमें दूसरा बनवाना है यहाँ पे मंदिर। अगर ये ज़्यादा परेशान भी करता है ना तो हम लोग डोर लगा देते हैं इसका, तो इसीलिए वहाँ पर मंदिर रखा था। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे मंदिर, बट अभी पता नहीं कब होगा वो। जब तक अभी यहाँ पर नहीं बनता तब तक वहीं पर रहेगा, और जब यहाँ पर बन जाएगा तब हमारा मंदिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सब्जी भी बन रही है मेरी, थोड़ी देर में ये भी आ जाएंगे ड्यूटी से और मेरी दाल भी बन जाएंगी, तब तक उसके बाद हम खाना खा लेंगे। बस यहाँ पर गाइज हमारा लंच हो गया था, और उसके बाद के जो बर्तन है वो क्लीन कर लूँगी, तो थोड़े से बर्तन निकले थे इसी वजह से मैंने सोचा चलो क्लीन कर लेती हूँ लगे हाथ, नहीं तो फिर वो पड़े रहते हैं तो फिर स्मेल आने लगती है, और बिल्कुल थोड़े से ही थे तो इसी वजह से जल्दी से क्लीन भी हो जाएंगे और फिर मेरा टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा कि चलो यार सब काम तो हो गया है अभी। तो बस यहाँ पर जो बर्तन है वो क्लीन कर लूँगी और उसके बाद जो किचन है वो भी थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी, तो बस लंच के बाद का जो किचन है वो क्लीन हो जाएगा और हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे इसके बाद। तो चलिए फिर यहाँ पर बर्तन क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइज अभी शाम के 4 बज रहे हैं और आपको मैंने बोला था ना कि मौसम सडनली चेंज हो जाता है, दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप होती है और उसके बाद अभी देखो मौसम कैसा हो रखा है, मतलब अभी बारिश का मौसम हो रखा है, तो बस थोड़ी देर में बारिश आने ही वाली होगी। तो चलिए फिर इसके सारे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और इसके साथ मेरे 2 और चैनल है तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।